टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर टू पैटर्न्स एंड सिमेट्री सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वी कैन फॉर्म पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ नंबर्स हम पैटर्न्स को नंबर की हेल्प से भी बना सकते हैं ऑलवेज फाइंड अ रूल टू कम्प्लीट द पैटर्न जब भी अपन को कोई पैटर्न कम्प्लीट करना होता है तो उसका हमें कोई ना कोई रूल बनाना पड़ता है अ पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ रूल और रूल्स एक पै जो पैटर्न होता है वो अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का जो कि रूल और रूल्स के द्वारा ही फॉलो होता है इंक्रीजिंग पैटर्न इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीजिंग साइज इंक्रीजिंग पैटर्न वो होता है जिसमें नंबर बढ़े या फिर साइज बढ़े डिक्रीजिंग पैटर्न वो होता है जिसमें नंबर कम हो या साइज़ कम हो ईवन प्लस ईवन इज इक्वल टू ईवन ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू ईन ईवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड टाइलिंग मीन्स फॉर्मिंग पैटर्न विद स्मॉल रिपीटेटिव डिजाइन और शेप विदाउट गैप्स इन बिटवीन टाइलिंग का मतलब वो होता है जिसमें एक पैटर्न बनाना जिसमें एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट करना बिना किसी शेप को छोड़े हुए या किसी गैप को छोड़े हुए अ शेप इज़ सेट टू बी सिमेट्रिकल वन इट्स वन हाफ़ इज एग्जैक्टली लाइक इट्स अदर हाफ एक शेप का अपन सीमेट्रिकल तभी कह सकते हैं जब उसका आधा पार्ट और दूसरा दूसरा अधर पार्ट दोनों सेम हो तो हम उसको सिमेट्रिकल कह सकते हैं एडिशन पैटर्नस लुक एट द फॉलोइंग एडिशन सेंटेंसेस टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव थ्री प्लस फोर इज इकल टू सेवन फोर प्लस फाइव इज इकल टू नाइन फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू इलेवन सिक्स प्लस सेवन इक्वल टू थर्टीन इन दिस सम इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट कि फाइव और सेवन तो 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 के बीच में टू का डिफरेंस सेवन टू नाइन के बीच में टू का डिफरेंस नाइन टू इलेवन के बीच में टू का डिफरेंस इलेवन टू थर्टीन के बीच में भी टू का डिफरेंस जब हम इसके करेंगे तो अभी टू का ही फॉलो होगा जैसे कि थर्टीन में टू का डिफरेंस फिफ्टीन फिफ्टीन में टू का डिफरेंस सेवनटीन सेवनटीन का टू में डिफरेंस नाइनटीन ये हमारा एडिशन है इसमें हमने प्लस करे हैं सब दो दो सम, आ, दो टू टू नंबर हमने सब में प्लस करे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व है वी कैन सी दैट द सम डिफर्स बाय टू दैट इज सेवन माइनस फाइव इजकल टू टू नाइन माइनस सेवन इजल टू टू इलेवन माइनस नाइन इजकल टू टू थर्टीन माइनस इलेवन इजिकल टू टू एंड सो ऑन वी कैन फाइंड आंसर्स टू सम दैट आर इन पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द रूल और द पैटर्न जिसमें हमने देखा है कि इसमें हमने प्लस करके इसके रूल आगे बढ़ाए हैं मल्ट सब्ट्रैक्शन पैटर्न लुक एट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस सिक्स माइनस वन इजकल टू फाइव सिक्सटी माइनस टेन इजिकल टू फिफ्टी सिक्स हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज टू फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड माइनस थाउजेंड इज टू फाइव थाउजेंड अब इसमें हम देख रहे हैं कि सिक्स है फिर उसके नीचे सिक्सटी मतलब वन जीरो बढ़ा फिर सिक्स हंड्रेड है डबल जीरो बढ़ी सिक्स थाउजेंड है उसमें थ्री जीरो बढ़े ऐसे ही वन है फिर वन में नीचे टेन है उसमें वन जीरो बढ़ा फिर टू जीरो बढ़ी फिर थ्री जीरो बनी अब इसमें सबको हमने माइनस करा तो आंसर भी वैसे ही आएंगे फाइव फिर फाइव में वन जीरो बढ़ा फिर फाइव में टू जीरो बढ़े फिर फाइव में थ्री जीरो बढ़ी ये हमारा माइनस सब्ट्रैक्टिंग पैटर्न है मल्टीप्लीकेशन पैटर्न वी हैव स्टडी इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स द टेबल्स फॉलोज द पैटर्न फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नाइन अब मल्टीप्लीकेशन टेबल क्या होता है हमें पता है कि टेबल कैसे होती है उसमें एक पैटर्न होता है जैसे कि हम देख लें नाइन की टेबल लेते हैं नाइन नाइन वन जे नाइन नाइन टू जे एट एटीन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन अब जैसे हम देख सकते हैं ये पूरी टेबल है अब इन सब के बीच में नाइन 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 का ही डिफरेंस है यहाँ ये यह कह लो नाइन नाइन में प्लस नाइन करा तो एटीन हुआ एटीन में प्लस नाइन करा तो ट्वेंटी सेवन हुआ ऐसे ही ये पूरी टेबल बनी है ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रही है लुक एट द डिवीज़न सेंटेंसेस अब ये डिवीजन पैटर्न क्या होता है नाइन डिवाइड बाई नाइन वन नाइन्टी डिवाइड नाइन इक्वल टू टेन नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई नाइन इक्वल टू वन थाउजेंड अब हमने इसमें क्या देखा कि जो डिविडेंड्स हैं वो उसमें टेन टेन टाइम्स मोर होता जा रहा है जैसे नाइन हुआ फिर नाइन टू हुआ फिर नाइन हंड्रेड हुआ फिर नाइन थाउजेंड हुआ लेकिन जो डिवीज़र है जो उसको डिवाइड कर रहा है वो नाइन ही है अब अगर अपन उसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो पैटर्न क्या बना वन टेन हंड्रेड थाउजेंड ये उसके क्वेश्चन हैं तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है अब इसके बाद अगर ये नाइन्टी थाउजेंड हो जाएगा डिवाइड बाई नाइन होगा तो आंसर क्या होगा टेन थाउजेंड होगा ऐसे ही इसको फॉलो करता जाएगा यूजिंग पैटर्न टू मेक कोड्स अब पैटर्न को पैटर्न कैसे बनाते हैं कोड करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स यूज कोड्स टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट द इन्फॉर्मेशन रिमेन्स सीक्रेट कोड्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग सम पैटर्न्स एंड कैन बी क्रैकड इफ वी फाइंड द पैटर्न ऑफ द कोड रीड द फॉलोइंग कोड जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं और जो साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं वो कोड्स के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन एक एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं जिससे वो सीक्रेट बनी रहे अगर जब हम उस कोड को सॉल्व करते हैं तो वो किसी पैटर्न के थ्रू ही सॉल्व होता है जिससे हम अपना मैसेज जो है वो रीड कर पाते हैं इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न वी रिप्रेजेंट द लेटर्स ए टू जेड एज नंबर वन टू ट्वेंटी सिक्स ये एक पैटर्न को फॉलो करता है अब जैसे हमने ए टू जेड लेटर्स लिए सबको नंबर नंबर वाइज लोकेट किया जैसे ए आता है वन नंबर पे बी आता है सेकंड नंबर पे सी आता है थर्ड नंबर पे ऐसे ही हमने पूरे जेड तक नंबर कर लिए अगर हमें अब कुछ भी लिखना है तो हम इसको कोड के जरिए लिख सकते हैं जैसे मैथ इज फन तो एम किस पे आ रहा है थर्टीन पे तो हमने एम को थर्टीन लिखा ए को वन लिखा टी को ट्वेंटी लिखा एच को एट लिखा ऐसे हमने पूरा लिख दिया और ये कोड बन जाता है वी कैन ऑल्सो यूज दिस टू चेक आवर रिजल्ट फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स अब जैसे हम हमें देखना है हमें चेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है सम जो है वो सही है कि नहीं है ये चेक करना है तो कैसे करेंगे जैसे टू फोर फाइव वन मल्टीप्लाई टू वन अब हमें ये करना है तो इसमें पहले हमने सारी ऊपर की डिजिट प्लस करी तो ट्वेल्व हुआ मतलब वन और फिर प्लस टू करा वो थ्री हुआ ऐसे टू प्लस वन करा इधर भी थ्री हुआ ठीक है अब ऐसे जब हमने इसका आंसर आया तो हमने इसको भी प्लस करा तो इसका आंसर भी नाइन हुआ ठीक है जैसे वन प्लस एट इजिकल टू नाइन हो गया अब इधर पे थ्री थ्री जी नाइन होता है नाइन माइनस नाइन ज़ीरो कास्ट आउट ऑफ नाइन नाइन माइनस नाइन कास्ट आउट ऑफ नाइन मतलब कि जब जो आंसर है वो सेम आए तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सही होता है सो द प्रोडक्ट इज करेक्ट हमारा आंसर सही आया है सिमेट्री वी हैव स्टडीड सिमेट्री इन द लास्ट ग्रेड हम सिमेट्री पढ़ चुके हैं पहले मैंने अभी बताया था कि हम एक शेप को तभी सिमेट्रिकल कह सकते हैं जब उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम हो अब जैसे इसमें देख लो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो सिमेट्री होती है वो थ्री लाइंस की होती है जैसे वर्टिकल हुई सीधे में काटना हॉर्जोनटल टेढ़े में काटना और डाइगनल हॉर्जोनटल लेटे में काटना डायगनल टेढ़े में काटना जैसे देखो स्टार को हमने वर्टिकल काटा सर्कल को हमने हॉरिजोनटल काटा और ये स्क्वायर है जो चेस बोर्ड है उसको हमने डायगनल में काटा तो दोनों पार्ट सेम जैसे हुए तो ये होता है सिमेट्री। टेस्लेशन्स क्या होता है अभी मैंने टेस्लेशन्स बताया था कि टेस्लेशन वो होता है जब हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं बिना किसी गैप को छोड़े हुए जैसे कि अब जहाँ पे हमने देखा बहुत सारे पैटर्न्स हैं फर्स्ट पैटर्न ये है सेकंड पैटर्न भी ये है थर्ड पैटर्न ये है अब जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट पैटर्न में उनने एक ही चीज़ को रिपीट करा पर कोई गैप नहीं छोड़ा सेकंड में भी वही है उनने कोई गैप नहीं छोड़ा लेकिन एक ही चीज़ को रिपीट करा है थर्ड में क्या है उनने पैटर्न बनाया जरूरी पर उसमें गैप है तो जो ए और बी हैं वो होते हैं टेस्लेशंस ठीक है अ पैटर्न इन विच देयर आर नो गैप्स एंड विच इज मेड अप ऑफ शेप्स दैट फिट इन टू इच अदर इज कॉल्ड टेस्लेशन मिरर इमेजेस क्या होती हैं वी एव स्टडिंग मिरर इमेजेज इन द प्रीवियस ग्रिट्स इट इज़ एन इमेज दैट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन इन द मिरर एवरीथिंग रिमींस द सेम एक्सपेक्ट द सेम इमेज इज रिवर्स्ड राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट मिरर इमेज क्या होता है जैसे हम कोई भी चीज़ हो उसको मिरर में करेंगे तो जो चीज़ हमने मिरर में करी होती है वो उसका जैसे मान लो कुछ चीज़ राइट से स्टार्ट हो रही है तो मिरर में लेफ्ट से स्टार्ट होगी ये होता है मिरर इमेज जैसे हमने देखा जब हम इस सर्कल को हाफ करके जब हम इस सर्कल को मिरर में करेंगे तो जब ये ऐसा है तो मिरर में ऐसा दिखेगा अगर हम आर को मिरर में देखेंगे तो वैसा दिखेगा ये होती है मिरर इमेज सो स्टूडेंट्स दिस इज योर चैप्टर यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर एट योर होम एंड रीड दिस चैप्टर एट योर होम